चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। परसवाड़ा तहसील में पनिका समाज के सामुदायिक भवन में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्यतः पनिका जाति पर लगे क्षेत्रीय बंधन को हटाने के संबंध में चर्चा हुई। बता दें कि पनिका जाति मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आदिवासी है तथा शेष 40 जिलों में इस जाति को अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया है। बालाघाट जिले में पनिका जाति 1971 के पहले अनुसूचित जनजाति में शामिल थी, लेकिन पनिका जाति पर क्षेत्रीय बंधन आरोपित कर दिया गया, जिससे मध्य प्रदेश के बालाघाट सहित 40 जिलों में पनिका जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है। इस विसंगति के कारण पनिका समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर अब हुंकार भरी है, एसटी का दर्जा दो। परिचय बताएं। मैं प्रमोद दास पनिका समाज। जो आप ज्ञापन देने आए थे तहसीलदार मैडम को, किस विषय को लेकर आए हैं? पनिका जाति जो है बालाघाट जिले सहित जो है 40 जिलों में अनुसूचित जनजाति के दर्जा से वंचित है। हम लोगों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, जबकि 1971 के पहले हमारी जाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी जी। और वर्तमान में हम शासन से माननीय मुख्यमंत्री के नाम जो है तहसीलदार मैडम के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडोरी 4 जिलों से हमारा क्षेत्रीय बंधन की समाप्ति हो और हमें भी जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा इस क्षेत्र में प्राप्त हो। मेरा नाम सुनील कुमार पनेरिया है जी। हम लोग मध्य प्रदेश के 13 जिला में आज भी आदिवासी हैं जी। लेकिन सरकार ने हमारे साथ भेदभाव करके मंडला, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट को जी। आदिवासी से अलग कर दिया गया है। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारा छीना हुआ अधिकार हमको दिलाएं। नज़दीक में अभी विधानसभा चुनाव है, हम लोग सब एकजुट हो चुके हैं। इन 4 जिलों में और कुछ जिलों को मिलाकर के 18 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर हमारी जनसंख्या 18 से 22 हजार है। जो पार्टी हमको सहयोग करेगा, जो हमारा अधिकार दिलाएगा, हम उसी के साथ रहेंगे। इस साल पनिका जाति डिसीजन करेगा कि किसका सरकार बनना है। जो हमारा अधिकार दिलाएगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। इसी नारा को लेकर के आज हम बालाघाट के परसवाड़ा में कार्यक्रम संपन्न किए। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी अभी वर्तमान सरकार जो भाजपा है उससे बातचीत चल रही है जी। तो भाजपा सरकार से हमारा निवेदन है कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश से प्रस्ताव पास करके वो दिल्ली को भेजें, नहीं उनके सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो ये हम कांग्रेस से बात करेंगे। अगर कमलनाथ जी आकर खुले मंच में हमारा समर्थन करता है तो हम पूरा उनका समर्थन करेंगे और उनका हम सरकार बनवाएंगे। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।